आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी जो है वो आपके तक साझा करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है और आप इस चीज के लिए जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है वो किस मोबाइल नंबर के साथ जो है वो लिंक है या किस ईमेल आईडी के साथ लिंक है, तो आपके लिए एक बड़ी जानकारी है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है और जब उनका आधार कार्ड कई बार गुम हो जाता है या खराब हो जाता है तो नया आधार कार्ड जो है वो निकलवाना हो तो कई लोगों को इस चीज की अभी तक पुष्टि भी नहीं है, या मतलब उन लोगों को याद भी नहीं है कि हमारे पास कौन सा मोबाइल नंबर था जो हमने उस समय जो है उस आधार कार्ड से रजिस्टर करवाया था। तो मैं आपको बता दूं कि UIDAI की तरफ से एक ऐप जो है वो जारी कर दिया है, जिस ऐप के जरिए आप लोग जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है या आपका कौन सा ईमेल आईडी जो है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है। और ये कोड एम ऐप जो डाउनलोड करेंगे अगर आप, इसके ऊपर आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर है। खबर जो है वो आपको थोड़ी पूरी विस्तार से बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। UIDAI ने देश के सभी नागरिकों के लिए ये पुष्टि करना और वेरिफिकेशन करना संभव बना दिया है कि अपने उनके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर जो है वो लिंक है या कौन सा ईमेल एड्रेस जो है वो लिंक है। UIDAI ने कुछ मामलों में जो ग्राहक इस बात से अनजान थे कि उनका कौन सा मोबाइल फोन उनके आधार से जुड़ा हुआ है, अब ग्राहक इस सुविधा के लिए अब आसानी से चीजों की जांच जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक वेबसाइट जो है वो UIDAI द्वारा जो है वो आधारित की गई है, उसमें आपको myaadhar.uidai.gov.in पर जाना है और वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए एम आधार ऐप के जरिए सर्विस आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अपना आधार मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद उसे OTP सेंड पर क्लिक करें। अब ग्राहक इस सुविधा से पुष्टि प्राप्त कर सकता है कि उसके पास मौजूद ईमेल या सेलफोन नंबर की पूरी जानकारी जो है वो उसे वहां से मिल सकती है। यदि कोई विशिष्ट मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अगर मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर अगर जो आपके पास है वो लिंक नहीं है, तो ये ग्राहक को अलर्ट करता है और यदि वे ऐसा करना चुनते हैं तो उन्हें मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह देता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो पूरी तरह से वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके सही मोबाइल नंबर के साथ लिंक है भी है या नहीं है। और शायद ये ऐप जो बनाया गया है एम आधार, इसीलिए बनाया गया कि तमाम लोग जो है उनको काफी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता था, बार बार उनको जो है वो साइबर सेल पे जाना पड़ता था, वहां जाकर उनको जो है इस चीज के लिए पुष्टि करनी पड़ती थी, पता करना पड़ता था। तो अब आप घर बैठे ही एम आधार से जो है वो अपनी जानकारी जो है वो पा सकते हैं। और UIDAI ने इस सुविधा के लिए बनाया गया ये ऐप स्थानीय लोग इस बात की पुष्टि कर सके और उनका व्यक्तिगत ईमेल या मोबाइल नंबर उपयुक्त आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं, मोबाइल नंबर के अंतिम 3 अंकों को माई आधार पोर्टल या एम आधार ऐप के वेरीफाई आधार फीचर का उपयोग करने के लिए चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे बड़ी चीज जो है वो एम आधार मिला है, उससे आप तमाम और जानकारियां जो है अपने आधार कार्ड से जुड़ी हुई जो है वो पा सकते हैं। और कई बार जो है जो बच्चे 5 से 15 साल की एज से पहले पहले जिन लोगों ने आधार बनाए हुए थे, अब वो बाद में अपने जो है बायोमेट्रिक भी जो है उनको अनिवार्य है। तो कई सारी ऐसी चीजें जो आपको जानकारियां चाहिए होती थी अब इस ऐप के जरिए जो है वो आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे NEWSPL TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।